नमस्कार भाई बहनों, मेरा नाम डॉक्टर आशीष कुमार मित्तल है। मैं एक सेक्सोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट, साइकेटिस्ट एंड डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और मैं गुड़गांव में जो कि दिल्ली एनसीआर में यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। तो भाइयों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक कि लिंग का नॉर्मल साइज कितना होना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो भाइयों, साइज के बारे में डिस्कस करने से पहले अगर हम ये सोचें कि लिंग का हमारा काम क्या होता है तो हम इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन इरेक्टेड पेनिस की। उसका क्या काम होता है? नॉन इरेक्टेड पेनिस का काम होता है यूरिनेशन करना, यूरिन को पास करना। तो अगर किसी के पेनिस का साइज बिना इरेक्शन के 1 इंच भी है तो उसको हम नॉर्मल मानते हैं। ऐसे पर्सन को पेनिस के साइज के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आते हैं इरेक्ट पेनिस के बारे में। इरेक्ट पेनिस का काम होता है सेक्स करना, पेनिट्रेशन करना, अपने को और अपने पार्टनर को सेक्स के दौरान सेटिस्फाई करना। तो अगर हम सेक्स के बारे में बात करें तो जो फीमेल्स का सेंसिटिव पोर्शन वजाइना में जो होता है वो इनिशियली 1 से 2 इंच के बीच में होता है और इसी में उनको सेंसेशन मिलती है और इसी सेंसेशन को उनको ऑर्गाज्म प्राप्त होता है। तो अगर किसी मेल का पेनिस का साइज 2 से 3 इंच भी है और इरेक्शन प्रॉपर है तो वो अपने फीमेल पार्टनर को ऑर्गाज्म प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम इंडिया में नॉर्मल पेनिस साइज की बात करें, एवरेज पेनिस साइज की बात करें तो वो होती है 4 से 6 इंच। तो अगर आपका पेनिस का, इरेक्टेड पेनिस का साइज इसके बीच में है तो आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। इवन अगर आपके पेनिस का साइज 4 इंच से कम है और 2 इंच से ज्यादा है लेकिन आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, फिर भी आपको साइज के बारे में कोई चिंता नहीं करनी है और आपको अपनी नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ कंटिन्यू करनी है। कुछ कंट्रीज में, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, वहां पे जो नॉर्मल पेनिस साइज है थोड़ा सा ज्यादा होता है, वो करीब 7 इंच तक होता है। कुछ कंट्रीज जैसे चाइना, जापान जैसी कंट्री हैं, वहाँ पे एवरेज पेनिस साइज थोड़ा सा कम होता है। इंडियन के मुकाबले उनका पेनिस साइज 1 इंच छोटा होता है। तो अफ्रीकन का 1 इंच ज़्यादा और चाइनीज कंट्रीज का एवरेज पेनिस साइज 1 इंच कम। फिर भी आपको कोई चिंता नहीं करनी है अगर आपका पेनिस का साइज एवरेज पेनिस साइज है या उससे भी छोटा है लेकिन आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। अगर हम ब्रिटिश जर्नल ऑफ यूरोलॉजी की बात करें तो उन्होंने एवरेज पेनिस साइज को बताया है इरेक्टेड स्टेज में वो होता है 3.8 इंच से 6.5 इंच के बीच में। और अगर हम गर्थ की बात करें, गर्थ मतलब पेनिस की मोटाई, तो वो होती है एवरेज 3.7 इंच से 5.4 इंच के बीच। तो भाइयों, आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि पेनिस के इरेक्ट स्टेज में और नॉन इरेक्ट स्टेज में क्या काम होते हैं, उसके हिसाब से पेनिस का साइज कितना होना चाहिए, और हमने जो ब्रिटिश जर्नल ऑफ यूरोलॉजी है उसमें नॉर्मल पेनिस साइज और उसकी गर्थ की गाइडलाइंस क्या दी हैं उसके बारे में डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और अपने कमेंट में लिखिए अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको पेनिस के साइज की कोई प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड आपने कोई ट्रीटमेंट लिया है, उसका कुछ आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, उसके बारे में आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करिए जिससे कि उनको कुछ हेल्प हो सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि फ्यूचर में मैं ऐसे नॉलेज वाले वीडियो लाता रहता हूँ। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो ये वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगा। धन्यवाद। नमस्कार।